वन गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है और अभी सुबह के साढ़े चार बज रही है और मैं अभी मॉर्निंग में खाना बनाने जा रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मुझे खाना बनाना है सभी के लिए और अभी इधर मेरे घर साइड थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है जिस वजह से मैं सुबह में स्वेटर पहन के किचन में खाना बना रही हूँ तो आज मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मुझे खाना बनाना है दो सब्ज़ी बनानी है और नाश्ता वगैरह भी बनानी है तो मुझे एक साथ ही सारा खाना बनाना जिस वजह से तो भी मैं सब्ज़ी काट रही हूँ और मॉर्निंग में ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता थोड़ी सी धूप निकलने के बाद मुझे काम करना अच्छा लगता है जिस वजह से तो लेकिन आज मुझे काम थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं सुबह ही उठ गई थी और उठ के खाना उना बनाना है तो अभी मैं सब्ज़ी को धो के अलग करके रख रही हूँ अच्छे से उसको फिर धो के बनाऊँगी क्योंकि मुझे आज थोड़ा ज़्यादा ही काम है तो अभी मैं चावल को चला रही हूँ और सुबह में मॉर्निंग के टाइम में बहुत सारा काम हो जाता है ना तो जिस वजह से तो अभी पहले मैं खाना बना रही हूँ खाना बनाने के बाद मुझे कुछ काम है और कल तो छठ है तो जिस वजह से मतलब मतलब शाम के टाइम में छठ है तो मैं सोच रही थी छठ में ए, मेरे पास वाले तालाब है तो वहाँ पे मैं छठ में जाऊँ या नहीं जाऊँ वही सोच रही हूँ क्योंकि इस बार मेरे घर में जो छठ होने वाली थी तो वो घर में ना हो के वो गांव में शिफ्ट हो चुकी है तो गांव में हो रही है तो मेरी सिस्टर गाँव गई हुई है तो अभी मुझे मॉर्निंग में मुझे मैं खाना बना रही हूँ अगर यहाँ होती तो, तो मैं बहुत खुश होती लेकिन इस बार नहीं हो रही है इस बार गाँव में हो रही है छठ जिस वजह से तो मैं नहीं गई छठ क्योंकि मतलब घर में किसी को ड्यूटी में छुट्टी नहीं थी जिस वजह से तो मैं अभी ड्यूटी मेरे मतलब मेरे भाई को भी ड्यूटी में छुट्टी नहीं थी तो इस वजह से तो मैं नहीं गई क्योंकि उनको खाना कौन बना के देगा तो वही इस वजह से तो अभी मैं खाना जल्दी जल्दी बनाऊंगी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम मतलब मैं चार साढ़े चार, चार बजे के आसपास उठ के खाना बना रही थी तो मुझे सेवन थर्टी तक मैं खाना कंप्लीट करना होगा क्योंकि इसके बाद मतलब साढ़े छः बजे के आसपास मतलब कि वो लोग मेरे भैया लोग काम पे निकल जाएंगे तो अभी मुझे सेवन थर्टी के आसपास पूरा काम कंप्लीट करना पड़ेगा जिस वजह से तो अभी मेरे घर साइड मतलब मॉर्निंग में ही मतलब अभी छठ चल रही है तो छठ में थोड़ा सुबह सुबह छठ का कभी सॉन्ग बजता है तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में और इस्पेशली मतलब गांव में जो छठ होती है ना वो बहुत अच्छा लगता है मुझे क्योंकि वहाँ पे होता है ना कि छठ में पूरे मतलब आसपास के अगल बगल के पड़ोसी लोग हाँ पड़ोसी लोग रिश्तेदार वगैरह लोग बहुत कोई मतलब आके घर में गीत वगैरह गाते हैं गा तो आप छठ का सॉन्ग सुनिए वो अलग और छठ का गीत जो होता है जो लेडीज लोग मिलके गाती है आप वो सॉन्ग सुनिए वो बहुत अच्छा लगेगा गीत अलग हो गया और गाना अलग हो गया तो हम मुझे गीत भी पसंद है गाना भी पसंद है क्योंकि छठ तो हम लोग का मेन फेस्टिवल है तो मुझे छठ बहुत अच्छी लगती है तभी तो मेरी सब्जी मतलब मेरी दाल बन चुकी है मैं दाल को छोंक भी लगा दी हूँ खाना भी खाना को भी पक पक चुकी है तो अभी सब्जी में सब्जी बनाना है तो भी तेल उसमें डाल रही हूँ और मैं नॉर्मल अभी सब्जी बना रही हूँ क्योंकि मुझे दो सब्जी बनानी है तो एक मैं गोभी गोभी की सब्जी बना रही हूँ क्योंकि एक लंच मतलब टिफिन में जाने वाला है और एक सब्जी घर के लिए बनेगा तो गोभी की सब्जी मैं टिपिन में मतलब मेरे भैया लोग जाएंगे ड्यूटी तो उनके लिए बना रही हूँ और घर में लंच के टाइम में मैं आ, मेरे घर मैं तो बड़ी बोलती हूँ आप पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं तो सोया चक्स आप लोग शायद बोलते हैं तो सोया चंग्स बोल सकते हैं लेकिन मैं बरी बोलती हूँ तो मैं बरी बोलूँगी तो मैं बरी आलू की भी सब्जी बनाऊँगी और गोभी की भी तो अभी मैं गोभी की सब्जी बना रही हूँ तो इसमें मैं बस एक आलू ही डालूंगी डालू इसके अलावा आलू नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे ये ये सब्जी तो लंच में मतलब टिफिन में पैक होने वाली है इसीलिए तो अभी इसको मैं अच्छे से मैं, मतलब मेरी प्याज वगैरह गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो अभी इसमें मैं गोभी डाल के इसको ढक के अभी पाँच मिनट के तक छोड़ दूँगी और अभी मैं जो दाल बनाई थी उस दाल को भी अलग से अलग बर्तन में डाल के रख लूँगी क्योंकि मुझे फिर दाल के बर्तन को भी साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सुबह में टाइम फिर नहीं मिलेगा फिर गेहूँ वगैरह भी मुझे धोनी है तो इसलिए तो अभी मैं इसको अलग करके रख ली हूँ तो एक एक करके मैं सारे बर्तन मैं मतलब खाना बनाते जा रही हूँ और सारे बर्तन को अलग निकालते जा रही हूँ तो फाइनली मैं सेकंड कढ़ाई चगाई थी और मैं इसके वाले मतलब जो बरी वाली सब्ज़ी जो बनाई थी ना तो उसका वीडियो ही डालना मतलब कटिंग कर कट करने के टाइम में वो वीडियो ही डिलीट हो गया तो जिस वजह से बरी की सब्जी को मैं नहीं दिखा पाई और मैं बरी की सब्ज़ी मॉर्निंग में ही बनाई थी मतलब बहुत मॉर्निंग टाइम में ही बनाई थी लगभग पाँच के पाँच साढ़े पाँच के आसपास मैं उसको बना के रख ली थी तो अभी उसको ही मैं फिर से गर्म कर रही हूँ क्योंकि मैं मॉर्निंग में उसको बना दी थी मुझे लगा कि बरी की सब्ज़ी मतलब टिफिन टी, में जाने वाली है फिर पता चला नहीं मेरे मेरे भैया लोग बोले मतलब मेरा भाई लोग बोले कि नहीं गोभी की सब्ज़ी मैं ले जाऊँगा टिफिन में तो जिस वजह से तो अभी मैं उसको निकाल रही हूँ उसको भी मैं प्रॉपर निकाल के अलग से रख रही हूँ क्योंकि मुझे ये कढ़ाई को भी धो के रखनी है क्योंकि फिर आप काम ख़त्म होने के बाद एक होता ना अलग से बर्तन पे धो 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 पर और फिर ऐसे भी मुझे खाना बनाने के बाद बहुत सारा घर का काम भी बचा हुआ है तो वो भी कंप्लीट करनी है तभी तो इसको मैं मेरी सब्ज़ी लग मसाले के अभी मसाला डाल के मैं भून रही थी भूनने के लिए छोड़ दी थी तो अभी टमाटर मतलब मसाला तो भून चुकी है तो अभी मैं इसमें सब्ज़ी में दो टमाटर डाल रही हूँ तो मैं प्लेट में नहीं काट के डायरेक्ट सब्जी में ही काट रही हूँ और इसको मैं काट के ढक के एक गिलास पानी डाल के ढक के, के छोड़ दूँगी और उसके बाद फिर मैं मुझे ना मतलब टिफिन में ढाल टिफिन के लिए रोटी भी बनानी है तो अभी पहले मैं टमाटर को काट के डाल दी हूँ और एक टमाटर में चटनी बनाऊंगी धनिया पत्ता और टमाटर की चटनी बनाऊंगी तो अभी मेरी सब्जी मतलब एक टमाटर को मैं पकने के लिए कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी हूँ तो अभी इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल रही हूँ और बाकी धनिया पत्ता की तो मैं चटनी पीसने वाली हूँ तो अभी धनिया पत्ता को काट ले रही हूँ और इसके बाद धनिया को सब्ज़ी में डाल के धनिया डालने से टेस्टी ही लगती है लेकिन मेरे घर में क्या है ना कि धनिया ऊपर से डला हुआ सब्ज़ी में ना बहुत कम ही कोई खाते हैं धन मतलब धनिया अगर डल जाती है ना तो कोई खाना प्रेफर नहीं करता है तो आप लोग जितने भी मेरे वीडियो में देखेंगे ना कि मतलब मैं जितने भी खाना बनाती हूँ उसमें कभी भी मतलब धनिया में ऊपर से इसी वजह से नहीं डालती हूँ कि मेरे घर में अगर मैं खाना बनाऊंगी जो भी कुछ भी हो अगर उसमें धनिया डालती हूँ ना तो धनिया कोई नहीं खाना पसंद करता है मतलब नॉर्मल एकदम हल्का खाना पसंद करते इस वजह से तो मैं कोई भी सब्जी में ना धनिया ऊपर से नहीं डालती हूँ लेकिन अभी धनिया की चटनी बनाने वाली थी तो थोड़ी सी धनिया बची थी तो डाल दी अब पता नहीं वो मुझे बाद में सुनने को भी मिल सकता है कि तुम धनिया क्यों डाल दी तो अभी तो मैं डाल चुकी हूँ तो अब कोई बात नहीं तो अभी मैं रोटी बना लेती हूँ तो मैं रोटी मतलब कुछ की रोटी नाश्ता में मैं रोटी बनाऊँगी थोड़े सा और बाकी टिफिन के लिए मैं बनाऊँगी पराठा तो मैं पराठा में बनाऊँगी मेरा मेरे, मेरे भैया लोग के लिए पराठा बना दूँगी टिफिन में और बाकी की मैं रोटी बनाऊँगी उसके बाद थोड़ी सी साफ़ सफाई करूँगी तो अभी लगभग मतलब सुबह जी हम शाम में शाम बोलने वाली थी लेकिन सुबह के अभी टाइम मतलब लगभग छः साढ़े छः के आसपास हो चुकी है तभी तो मैं जल्दी से पराठा बना रही हूँ और इसके बाद फिर पराठा बना के मैं नाश्ता भी बना लूँगी नाश्ता भी क्योंकि मैं तो सारा काम एक ही टाइम में अगर किचन में घुस जाती हूँ तो सारा कुछ एक ही टाइम में बन जाना चाहिए अलग से टाइम नहीं कि नाश्ता बना लिया फिर किचन से बाहर चले गए फिर कुछ काम किया फिर किचन आओ फिर लंच बनाओ डिनर बनाओ मैं नहीं एक बार अगर मैं किचन चली गई चाहे मुझे एक घंटा लगे दो घंटा लगे चार घंटा लगे ले लेकिन मैं खाना पूरा प्रॉपर बना के ही निकलूँगी मतलब सब कुछ बना लूँगी सुबह में अगर मुझे मैं किचन गई तो नाश्ता भी बन जाना चाहिए और खाना भी बन जाना चाहिए साथ में तभी तो मैं पराठा बना रही हूँ तो मुझे, मुझे पराठा बनाना पहले नहीं आता था लेकिन मैं मेरी मम्मी को जब मैं देखी ना तो मुझे दे देख के ही आगे तो मैं जितने भी खाना बनाती हूँ ना तो मेरी मम्मी मुझे समझाती है कि ऐसे ऐसे डलता है ऐसे ऐसे तो मेरी मम्मी मेरी मम्मी मेरी वो टीचर है बोल सकते मेरी गुरु है मुझे खाना बनाने का एक्सपीरियंस जो भी है थोड़ा बहुत भी है मैं मैं ये नहीं बोलती कि मैं बड़ बहुत बड़ी सेफ हूँ सेफ तो नहीं बोल भी नहीं सकती मैं उतनी बड़ी हूँ भी नहीं लेकिन मैं जितना भी खाना बनाती हूँ वो मेरी मम्मी की मम्मी बताती है तो मैं बना लेती हूँ लेकिन मेरी मम्मी अभी मतलब दस सालों से मेरी मम्मी को भी छुट्टी नहीं मिलती है ड्यूटी उनका ऑफ नहीं होता है मतलब साल के तीन सौ पैंसठ दिन ही काम होता है तो जिस वजह से तो मम्मी नहीं रहती है तो मैं सारा खाना बनाती हूँ और मेरी सिस्टर बनाती है तो जितना भी खाना मैं बनाती हूँ मैं खुद से सीखती हूँ मतलब ऐसा नहीं कि यूट्यूब में सीखी हूँ वैसा नहीं है मैं खुद से कोई भी खाना अगर ट्राई करती हूँ और एक बार बना के चेक कर मतलब जब भी कुछ नया बनाती हूँ चेक कर लेती हूँ अगर वो खाना अच्छी बनती है तभी मैं तभी मैं वो जो भी मैं खाना YouTube में जो मैं भी जितनी भी रेसिपी डालती हूँ वो, वो तभी डालती हूँ एक बार बनाई खा ली घर में सभी कोई को पसंद आया तब तो सेकेंड टाइम में जब बनाती हूँ और वो अच्छी बन मतलब अगर फर्स्ट टाइम में अच्छी बनी है और खाने में अच्छी लगी घर में सबको तब तो मैं उसे यूट्यूब में डालती हूँ ऐसे नहीं है कि मैं कुछ भी बनाऊँ और डाल दूँ और आप लोग वैसे बना लूँ नहीं मैं उसे कभी नहीं डालती मैं जब तक मेरे घर में वो सब कोई खा के पसंद नहीं करते मैं मैं नई कुछ डालती हूँ ऐसे यूट्यूब में दिखाते ऐसे बनाओ वैसे बनाओ ऐसे करो बहुत अच्छी बनती हाँ बेसिकली बहुत अच्छी बनती मैं कभी नहीं बोल रही कि खराब बनती अच्छी बनती लेकिन मैं जो बनाती हूँ मैं ऐसे ही बनाती हूँ अपनी अपनी तरीका से बनाती हूँ घर में पसंद आए तब आप लोग प्रेफर करती हूँ कि आप लोग भी ऐसे बनाए तभी फाइनली मैं नाश्ता वगैरह सब कुछ कर बना ली तभी झाड़ू लगा ले रही हूँ किचन में उसके बाद में मतलब सब काम हो जाएगी तो फिर बाद में पूरे घर में पोछा लगाऊंगी तो किचन में भी पोछा लगाऊंगी तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ और मेरे भैया लोग को मतलब मेरे भैया लोग को मैं टिफिन में पैक करके दे चुकी हूँ और अभी मैं मॉर्निंग के टाइम में मतलब जब खाना बनाने में गई थी साढ़े चार बजे किचन में तब तो बाल वगैरह नहीं झाड़ी थी बस मैंने ब्रश किया चेहरा को धोया और किचन गई थी खाना बनाने तो अभी मेरे बाल उखड़े उखड़े हुए फिर और अभी सात बज चुकी है तो अभी सभी को एक चाय पीना और मेरे घर में सला मतलब मेरे भैया लोग काम चले गए हैं साढ़े छः साढ़े छः बजे और बस घर में मम्मी पापा लोग हैं और सब सभी कोई को चाय पीने का टाइम है ठंडी है तो तो चाय तो पीनी ही पड़ेगी मतलब चाय मॉर्निंग में चाय सबको पीते हैं तो है तभी मैं चाय चखा रही हूँ और मैं सोची कि पहले चटनी भी बना लूँ तो भी चटनी भी बना लूँगी और उसके बाद भी चाय भी सभी कोई को देके उसके बाद मेरी काम ख़त्म हो जाएगी किचन की तो काम फाइनली ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मुझे कुछ काम छत में है मतलब गेहूँ वगैरह धोने कुछ कपड़े वॉश करने और घर में पोछा भी लगानी है तो मैं ये वीडियो बस यहीं तक रखूँगी तो आई होप मेरा हर मैं चटनी में ना तेल भी डालती हूँ आप लोग तेल डाल के खाइएगा अच्छी लगेगी चटनी कच्चा तेल डालिएगा ऐसे नहीं कि पका हुआ तो अभी ये टिफिन मैं पैक कर रही हूँ मेरे छोटे वाले भाई के लिए क्योंकि वो उसे भी काम जाना है बाहर ड्यूटी के लिए तो अभी मैं उसके लिए मैं पराठा बनाई थी वो पराठा डाली हूँ अब मैं हम लोग के लिए नाश्ता में रोटी बनी हुई है तो मैं नाश्ता बाद में कर लूँगी तो बस ये वीडियो यहीं तक तो आई होप मेरा आज का भी है किचन में काम करता हुआ छोटा सा अजीबो गरीब ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते नेक्स्ट बाय बाय बाय